नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक ऑन गोइंग डिबेट और मे बी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट देने के लिए। पीपल गो फॉर दिस थिंग्स वॉट एवर कम्स न्यू इन द मार्केट और उनको लेके चर्चा गलत तरीके से चालू करते हैं जिसका डायरेक्शन वैसा होना नहीं चाहिए। एवरी थिंग इज़ नॉट अ बैटल। ओके, सेम गोज़ फॉर सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैबडोर, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ जो सर्टिफाई करते हैं, ये नहीं बोलते मेरा एक दो तीन नंबर कौन सा है। तो मैं बात करूँगा यहाँ पर, मेरे पास एक्चुअली नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स ही हैं और इनके प्रोडक्ट्स में कुछ में आप देखोगे ये लोगो है जो कि है कोलोन लिस्ट का, और कुछ में आप देखोगे जैसे ये वाला है किधर गया, ये है इनफॉर्म स्पोर्ट्स का। ठीक है, ये इसका भाई फोकस में, हाँ इनफॉर्म स्पोर्ट्स का। तो व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई एम आई शोइंग दीज टू टू यू, बिकॉज बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है और बहुत लोग ये आके पूछते हैं कि ये इनफॉर्म स्पोर्ट्स वाला है तो यही लूँगा, कोलोन लिस्ट बेकार है। कोई बोलते हैं कोलोन लिस्ट में नहीं है यार, तो इनफॉर्म स्पोर्ट्स का क्या। तो देखिए, इन दोनों में ना कभी झगड़ा था ना कभी झगड़ा होगा या है, दे आर टोटली टू डिफरेंट एंटिटीज़। और मैं एक कंपनी का दो प्रोडक्ट इसलिए दिखाया कि कंपनी के ओर से भी इनमें कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, दे आर जस्ट गोइंग फॉर एक एक ऐसे प्रोडक्ट्स का एनालाइज करता है, दूसरा दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स का एनालाइज करता है, एक का कैटेगरीज ऐसे हैं दूसरे का कैटेगरीज ऐसे करते हैं, दैट्स व्हाई। तो आई विल गिव यू सम ऑफ माय अजम्पशंस और कुछ कुछ चीज़ें मैं ये भी बताऊंगा जो आपका गलत फहमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, इनफॉर्म स्पोर्ट्स इनफॉर्म चॉइस यूरोपियन है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इनफॉर्म स्पोर्ट्स और इनफॉर्म चॉइस दोनों में डिफरेंस है, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें ये डिफरेंस है कि इनफॉर्म चॉइस इज़ फॉर जनरल कंज्यूमर्स लाइक अस हु वॉन्ट टू बी वेरी श्योर कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बैंड प्रोडक्ट नहीं है, जो चीज़ें नहीं है जो मुझे नहीं कंज्यूम करना है, जैसे कोई भी स्टिमुलेंट हो गया, ये ज़्यादा जो बैंड स्टिमुलेंट काइंड ऑफ थिंग्स एंड दैट्स। इनफॉर्म स्पोर्ट्स इज द सेम थिंग बट फॉर एथलीट्स। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एथलीट्स को बैन होने से बचाना चाहता है एंड दे वांट टू से ओके ये प्रोडक्ट अगर यूज़ करता हूँ तो उनका टेस्ट भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है, तो इनफॉर्म स्पोर्ट्स। तो इसमें डिफरेंस ये होता है, इनफॉर्म स्पोर्ट्स का फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट होता है ज़्यादा, वो शायद साल में चार बार या कुछ हर एक बैच का एक बार रैंडम टेस्ट वगैरह करते हैं। इनफॉर्म चॉइस ऐसा नहीं करता है, वो साल में एक बार करता है। अभी आते हैं कोलोन लिस्ट में, बिकॉज अ टोटली डिफरेंट थिंग, जर्मन है ऑब्वियसली तो यूरोपियन ही होगा, पर उसमें मेन डिफरेंस ये है कोलोन लिस्ट इस नाम का पहले एनालाइज। जर्मनी में एक जगह है उसका नाम है कोलोन, उसमें एक यूनिवर्सिटी है जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोलोन, वहाँ पे एक सेंटर है जिस सेंटर का नाम है सेंटर फॉर प्रिवेंटिव डोपिंग रिसर्च। ये है जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कोलोन में जो है उसका एक डिपार्टमेंट, और वो करते हैं चीज़ें, वहाँ से इनिशिएट हुआ कोलोन लिस्ट। सो इफ़ यू आर अ कंपनी यू कैन अप्रोच दिस ब्रांच ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड फॉर दैट यू हैव टू पे सम फी। ऑफ कोर्स अब वहाँ पे खर्चा होगा, तो इनफॉर्म स्पोर्ट्स में चॉइस में भी खर्चा होता है, इनपा भी खर्चा है, दोनों का सेटअप अलग है। ठीक है, इनफॉर्म चॉइस इनफॉर्म स्पोर्ट्स इज़ लाइक अ प्राइवेट बॉडी जो स्पोर्ट्स को रिलायबल बनाने के लिए मेनली बना हुआ है। ये लोग बने हुए हैं जस्ट फॉर द सेंटर ऑफ सेंटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ डोपिंग रिसर्च, दैट्स ऑल। मतलब कोई भी प्रोडक्ट में डोपिंग अगर होता है उसका प्रिवेंशन के लिए ये लोग बने हैं। तो इनका जो गोल है वो अगर आप देखोगे वो डिफरेंट है। ये लोग दे अगर कोलोन लिस्ट का FAQ में जाओगे वहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे वो लिस्ट कर दिए, उनका मेन है कि बहुत सारे कंपनियाँ जो डिलिबरेटली ख़राब चीज़ें देते हैं। सो दे आर नॉट दैट डिप्लोमेटिक इन सेइंग व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज दैट्स एन यूनिवर्सिटी, उनका रिसर्च का काम है। सो दे सिंपली से भाई अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है जो भी कंपनी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें फ़र्क ये पड़ता है कि आप डिलिबरेटली डोपिंग कर रहे हो, आप डिलिबरेटली लेवल चेंज करो, आप जो कर, दैट्स आवर गोल। और यहाँ पे इनफॉर्म स्पोर्ट्स चॉइस ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड यू नो ऑफिशियल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो इनके लिए इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देना मुश्किल है। तो ये कहते हैं कि अगर इनका स्टेटमेंट देखोगे तो बहुत टाइम पे हम ये चीज़ करते हैं कि इसमें ख़राब चीज़ें हैं कि नहीं, ये दे विल नेवर से कि ये डिलीवरेटली कंपनीज डालते हैं, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट मेक्स के नहीं चलो इनफॉर्म स्पोर्ट्स और चॉइस ख़राब है और कोलोन लिस्ट अच्छा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो स्टैंड पॉइंट से कंपनीज हैं ना या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये कह सकते हैं वो ये नहीं कह सकते, दैट्स हाउ इट वर्क्स।
अभी आपका जो क्वेश्चन है, हाँ, कोलोन लिस्ट मिनिमम साल में एक बार प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा, ठीक है। कंपनी अप्रोच कर सकती है कोलोन लिस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कि मेरा प्रोडक्ट को आपके आपके वेबसाइट में लिस्ट करवाना है, तो वो टेस्ट करेंगे वगैरह। मोस्टली वो टेस्ट करते हैं नाइडा के दिया गया वैडा लिस्ट जो है उसमें आपका जो बैन सब्सटेंस है, नॉट ऑल, दे डिक्लेयर दैट नॉट ऑल, एंड ऑल्सो जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स है मोस्ट ऑफ दोनों वो कवर कर देते हैं। ये फोकस मोस्टली करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स में एंड अ ह्यूज पार्ट ऑफ बैन सब्सटेंसेस बाय वाडा लिस्ट। वेयर एज इनफॉर्म स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली सेज इट टॉक्स अबाउट वाडाज बैन सब्सटेंसेस। नाउ दैट वो आपका इंक्लूड कर लेता है एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स या नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर, देखना पड़ेगा थोड़ा, बट दिस इज द थिंग्स दे कवर। वन अदर थिंग विच आई have personally seen companies that go through colon list, they can actually see the report that was done and on request most probably they can give it to you। जहाँ पे इन्फॉर्म स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है, वो आपको फाइनल रिपोर्ट, फाइनल चीज़ बता देंगे कि अच्छा है बुरा है वगैरह, इसमें कुछ नहीं मिला हमें, पर जो टेस्ट वगैरह किए हैं मेरे ख्याल से वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। दूसरा है, जैसे मैंने कहा, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स इज़ फॉर एक्चुअल एलीट एथलीट्स और उनके स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो दे डू मल्टीपल टेस्ट्स पर बैच, एक तो होना ही है। इन्फॉर्म चॉइस इज़ लाइक वंस ए ईयर होना है, ऐसा टाइप। तो इन्फॉर्म चॉइस एंड कोलोन लिस्ट का फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है, पर इसका नहीं, दे आर द सेम, दे डू डिफरेंटली, ओके। तो ये है मेन डिफरेंस, एंड मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि देर आर अदर ऑल्सो, क्लियर लेवल है, बहुत सारे चीज़ें हैं आ रहे हैं और भी नए, दे आर ऑल डूइंग प्रिटी मच द सेम थिंग। I somehow prefer colon list in a way and not for all products, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट करते नहीं हैं। इन्फॉर्म चॉइस इज ऑल्सो गुड बिकॉज ऑफ द ओरिजिनेशन, ओके। नाउ पीपल हु हैव अ रिसर्च टेंडेंसी, जिसका ओरिजिनेशन रिसर्च से है, दे कीप ऑन इनोवेटिंग फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ रिसर्च। आप समझना चाहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्म स्पोर्ट्स, इन्फॉर्म चॉइस भी इवॉल्व करते हैं, उनका भी लिस्ट बढ़ता है, वो भी अच्छे अच्छे चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं कि ये बैंड है कि नहीं। बट दैट इज, एंड आई डोंट नॉट थिंक, आई डोंट थिंक आई एम सेइंग रॉन्ग, दैट इज़ फ्रॉम द कमर्शियल पर्स्पेक्टिव कि स्पोर्ट्स में ये बैन हो गया तो मुझे ये टेस्ट करना है। इनका है, दिस हैज़ अ सीवियर हेल्थ इशू, बैन किया है, नहीं है, छोड़ो, इसको हमें टेस्ट करना है, बिकॉज इज अ रिसर्च सेंटर। इसमें कहीं पर नहीं लिखा है रिसर्च सेंटर फॉर समथिंग दैट इज बैंड इन स्पोर्ट्स, रिसर्च सेंटर फॉर एंटी डोपिंग रिसर्च। तो दैट्स वाई आई एम अ बिट इंक्लाइन ऑन इट, देर इज नो रीजन के नेचुरल टीन किया है, कर लो, एक और अल कर लेगा, कर लो यार, मुझे क्या टेंशन है। मैंने नेचुरल टीन ये दिखाया क्योंकि दिस इज द ओनली कंपनी जो मैंने पाया जिसका कोलोन लिस्ट भी है, इन्फॉर्म चॉइस भी, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स भी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट प्रोडक्ट इज बीइंग टेस्टेड। कोलोन लिस्ट में प्री वर्कआउट टेस्ट नहीं है, अभी तक नहीं देखा मैंने, तो शायद क्रिएटिंग अ कैटेगरी, डूइंग ऑल दैट इज अ लॉट ऑफ थिंग, दैट्स व्हाई दे वेंट फॉर इन्फॉर्म स्पोर्ट्स, दैट्स इट। एंड देखो कि दोनों का मिशन स्टेटमेंट में ही एक चीज़ है, दोनों का एफएक्यू में एक चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट है कि इफ आई एम गोइंग फॉर समथिंग दैट हैज़ अ लोगो ऑफ कोलोन लिस्ट, इफ आई एम गोइंग फॉर समथिंग दैट हैज़ अ लोगो ऑफ इन्फॉर्म स्पोर्ट्स, am I totally safe from anything that is banned or any anabolic agents? वो कहेंगे no, but your chances are more that you are safe because we cannot cover everything. ये दोनों ही कहते हैं, and that is true, there is nothing to be laughed about. कितना cover करोगे? ये अपने बेसमेंट में लोग हर एक दिन नया चीज़ बनाते हैं, तो ये थोड़ी कवर कर पाएंगे, तो जितना हो सके ये कवर करते हैं, इन्हें अपना लिस्ट बढ़ाते हैं। पर मैं कहूँगा ये बेकार का ड्रामा जो है ना, ये वीडियो बनाने के लिए, ये करने के लिए, मतलब या फिर लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, इनका दिस इज़ गुड दैट इज़ बैड, ऐसा है नहीं भाई। दिस बोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी गुड यूरोपियन कंपनीज हैं, दे आर वेरी गुड, एंड आई बिलीव जो यहाँ तक जा रहे हैं करने के लिए, दैट इज़ गुड, दैट्स गुड अप्रोच। मैं ये नहीं कहूँगा जो कंपनीज नहीं करते वो खराब है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। उनके स्टेटमेंट में भी आप देखो ये लिखा हुआ है कि नो आई दे आर नॉट टेस्टेड सो आई कैनॉट से एनी थिंग, बट इसका मतलब नहीं है कि आप एक कंपनी रैंडम पकड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? आज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, मानो इन्फॉर्म चॉइस, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स किसी का सर्टिफाइड है, तो आज से 15 साल पहले मानो नहीं था, तो 15 साल पहले इन्फॉर्म ऑप्टिमम न्यूट्रिशन फेक था। अगर आप ये स्टेटमेंट मानते हो तो आप ये भी स्टेटमेंट मानो जो आज के दिन में बहुत लोग करते हो कि जिसका सर्टिफिकेशन नहीं है वो गलत प्रोडक्ट बनाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कंपनी का अगर गोल अच्छा है, उनका एथिक्स अच्छा है, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, इनरेस्पेक्टिव ऑफ वो कोई थप्पा लगाए कि नहीं। अगर जो कंपनीज आके उनके ऊपर स्टैम्प लगवा रहे हैं, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स हो गया, चॉइस हो गया, कोलोन लिस्ट हो गया, वो एक स्टेप और जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। पर ऐसा नहीं कि आप दूसरे कंपनीज को खराब बोलो, ऐसा ऐसा चलता नहीं, अच्छा नहीं है ये।
या अब मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चंस का आंसर कर पाया मैं। कोई और क्वेश्चन हो तो लिखिएगा नीचे। और नेचुरलटीन, अगर आपको लगता है मैं गलत बोला ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में, मेरे को इन्फो कम है, तो आप कमेंट डालो, मैं पिन कर दूंगा। तो लोग, बिकॉज यू हैव बोथ द सर्टिफिकेशंस राइट, सो यू हैव अ लॉट ऑफ इनसाइट, तो उनमें भी लोगों को मालूम पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन इज द मेन की हियर इन दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।